वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ प्रीवियस ईयर की हमारी पार्ट थर्ड वीडियो है और इसमें भी हम लोग आज 20 क्वेश्चन के ऊपर मतलब चर्चा करेंगे कि पिछले जो सेल के एग्ज़ाम जहाँ भी हुए हैं वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो मैं पहले ही बता देता हूँ कि हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी टेक्निकल रिलेटेड तैयारी कर रहा है या फिर अगर आपके एग्ज़ाम में टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स ऑलवेज रिपीटेड, हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, सो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे वीडियो को मिलते रहे। ठीक है, चलिए अभी वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए अक्सर जो है एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिसमें कि क्वेश्चन तो एक ही रहता है लेकिन उसके चार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 41 नंबर में जो हमारा है ये क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये पार्ट वन हो जाता है हमारा और ये पार्ट टू हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मैच कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा डक्टिलिटी, जिसको कहते हैं हिंदी में तन्यता। उसके दूसरा है टफनेस मतलब चिमड़ापन। तीसरा है इंड्योरेंस लिमिट, इसको कहते हैं सहनशीलता सीमा। चौथा है हमारा रेसिस्टेंट पेंट्रेशन, ठीक है, इसे कहते हैं निवेशन के लिए प्रतिरोध। और इस साइड जो हमारा दिया गया है वो है इम्पैक्ट टेस्ट, संघर्ष परीक्षण, फेटिट्यू टेस्ट, शांति परीक्षण, टेंशन टेस्ट, तनन परीक्षण, हार्डनेस टेस्ट, कठोरता परीक्षण। अब चलिए हम लोग एक एक करके मैच करते हैं। ठीक है, फिर आंसर पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हमारा पहला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का हमेशा परीक्षण किया जाता है टेंशन टेस्ट से। ठीक है, हमारा जब भी होगा डक्टिलिटी टेस्ट, जो जब भी डक्टिलिटी का हम लोग टेस्ट करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग तनन परीक्षण या फिर टेंशन टेस्ट। दूसरा है हमारा टफनेस। ठीक है, तो टफनेस जो होता है हमारा इसको हम लोग कहते हैं टफनेस यानी कि चिमड़ापन जब हम लोग चेक करते हैं तो इम्पैक्ट टेस्ट से करते हैं। ठीक है, कि किसी भी चीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मतलब जब भी हम लोग किसी चीज़ का ये टफनेस टेस्ट चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर टेस्ट में देखा जाता है कि किसी भी प्रकार के वार का या फिर किसी भी प्रकार के प्रहार का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसी को कह देते हैं हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, संघट परीक्षण, ठीक है, कि सहने का क्षमता कितना है उसका। ठीक है, अगला जो है हमारा आता है इंड्योरेंस टेस्ट, इंड्योरेंस लिमिट, सहनशीलता सीमा। तो इसको मेनली हम लोग जो देखते हैं उसे फेटिट्यू टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शांति परीक्षण। तो देखिए इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि शांत आदमी ही सहनशील आदमी होता है। ठीक है, जो आदमी शांत होता है उसी में सहनशीलता होती है, तो सहनशीलता जो सीमा होता है वो शांति परीक्षण से होता है। ठीक है, अगला है हमारा रेसिस्टेंस पेनिट्रेशन, ठीक है, निवेशन के लिए प्रतिरोध, तो ये हो जाता है हमारा हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया गया है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ए का 3, बी का 1, ठीक है, सी का टू और डी का 4। तो ये हो जाता है हमारा आंसर गाइस, इसे देख लें। एक मे भी अगले एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन को उठा के आपको पूछ दिया जा सकता है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि, तो उनमें जो है जस्तीकरण या फिर यशद लेपन जो होता है वो उसमें उपस्थित रहता है जिसके कारण वो उनमें जंग नहीं लग जाता है। देखिए हम लोग 10th में ही पढ़े थे कि जस्तीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी लोहे के ऊपर जस्ते की जो है एक पतली परत चढ़ाई जाती है, समझे ना, जिससे कि उसमें जंग लगने का जो है डर खत्म हो जाता है। तो वही है कि लोहे की चादरों में जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें यशद परत विद्यमान होते हैं। ठीक है, यशद परत विद्यमान होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है लोह की धात्विकता में प्रयुक्त मुख्य उपचायक क्या है। तो लोह का जो धात्विकता का गुण उसमें पाया जाता है उसमें मुख्य जो है हमारा उपचायक क्या होता है उसका नाम लिखना है, तो वो हो जाएगा हमारा कोक। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है हमारा निकिट के अरेस्ट के नाम लिखे। तो निकिट देखिए एग्जाम में जो मेनली पूछा गया था कुछ इस तरह से कि इनमें से कौन सा एक निकिल का अयस्क नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है और यहाँ पे निकिल के जितने भी अयस्क होते हैं मेनली 3 अयस्क का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ताकि आपको उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निकिल के अयस्क के नाम लिखे, तो पहला हो जाता है हमारा गार्नियराइट। ठीक है, दूसरा हमारा होता है पेंटेलेंडाइट। तीसरा हो जाता है हमारा निकोलाइट। ठीक है, गार्नियराइट, पेंटेलेंडाइट, निकोलाइट, ये तीनों जो हो जाते हैं ये निकेल के अयस्क के नाम है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक के नाम लिखें।
ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक के नाम लिखे, कौन कौन से दो मुख्य घटक से ग्रेनाइट मिलनी जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। इन दोनों से हम लोग ग्रेनाइट का ये करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, यहाँ पे गाइस एल्यूमिनियम नहीं होगा, एल्यूमिना हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिना, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, कि सीसा किस अयस्क से निकाला जाता है। सीसा जो है, सीसा के अयस्क का नाम लिखने बोला। इसमें भी जो है मेनली जो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन की इनमें से कौन से अयस्क से सीसा का निष्कर्षण किया जाता है, तो देखिए वहाँ पे तो आंसर एक था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दोनों लिखा दिया है आंसर, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दे दे तो आप आसानी से वहाँ पे लिख दो। तो देखिए सीसा जो है मेनली वहाँ पे एग्जाम में कोई भी एग्जाम पूछे जाते हैं तो वहाँ पे गैलेना ही ऑप्शन दिया जाता है, तो वहाँ पे गैलेना हो जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना रहा तो सीरोसाइट भी होता है जिससे जो है सीसा का निष्कर्षण किया जाता है, तो आप देख लीजिए भी इससे भी होता है। अब चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग जान लेते हैं। देखिए कैल्शियम का जो है मेनली निष्कर्षण किया जाता है जिप्सम से, ठीक है, और टीन का जो है निष्कर्षण किया जाता है कैसे टाइप से, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें भी देख लें, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। अगला हमारा है सिनेबार डैश का एक अयस्क है। सिनेबार जो है ये किसका एक अयस्क है, तो सिनेबार जो होता है मर्क्यूरी यानी कि पारा का अयस्क है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, कि मैग्नेटाइट गैस का एक अयस्क है, तो मैग्नेटाइट जो हो जाता है आयरन का एक अयस्क है, ठीक है, तो आयरन हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ साथ गाइस एक और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पॉइंट लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फिरोजा जो है किसका एक अयस्क है, तो फिरोजा जो है कॉपर का एक अयस्क है, ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लें कि फिरोजा कॉपर का अयस्क है। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्यूपोला का प्रयोग इनमें से किसे बनाने के लिए किया जाता है। क्यूपोला मेनली जो होता है एक भट्टी टाइप का होता है, ठीक है, भट्टी, इसमें कौन सी चीज को बनाने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है, तो जो कास्ट आयरन बनाए जाते हैं हमारे ढलवा लोहा जिसको कहते हैं उसका जो बनाने के लिए जो है क्यूपोला भट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि इंडक्शन हार्डनिंग डैश धातुओं के पार्ट्स के लिए होता है, ठीक है, तो इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है किस धातु के पार्ट्स के लिए होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 0. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.3 से 0.7% जो है कार्बन स्टील के लिए जो होता है ये क्यूपोला हार्डनिंग जो होता है, सॉरी 0.3 से 0.7% कार्बन स्टील के लिए जो है इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो गाइस ये थे हमारे 50 नंबर तक का क्वेश्चन। अब चलिए थोड़े अगले को आगे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इस्पात प्रसारणीकरण जिसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजिंग यानी कि स्टील नॉर्मलाइजिंग जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, या फिर उसका प्रोसेस जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखने बोला है। ये सेल में पूछा जा चुका है, सेल यहाँ पे बोकारो में, ठीक है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा कि क्रांतिक तापमान के ऊपर उष्मित करके तथा वायु द्वारा प्रसितरित करके, यानी कि क्रांतिक जो तापमान होता है हमारा उसके ऊपर जो है उसके ऊपर के मान में उसको गर्म करके तथा फिर वायु में उसको ठंडा करके यानी हवा में उसको ठंडा करके जो है ये नॉर्मलाइजिंग किया जाता है, ठीक है, स्टील में। अगला है हमारा कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के इंडेटर का कोण कितना होता है, ठीक है, तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग जो मशीन होता है उसके इंडेटर का कोण जो होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है, 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कि धातु की सतह पर पेंट करना उसे जंग से बचाने की गैस मिली है, धातु के सतह पर पेंट करके जो उसे जंग लगने से बचाया जाता है वो विधि जो कहलाती है वो हमारी अर्ध स्थायी विधि है, ठीक है, अर्ध स्थायी विधि के द्वारा ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर हम अगर एग्जाम में पूछ दे कि लोहे की जो है लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी स्थायी विधि क्या है, परमानेंट उसका जो है ये वेग क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके जो है लोहे को जंग लगने से परमानेंटली बचाया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है किस विधि में स्टील बैरल के अंदर जिंक पाउडर का घोल हो जिसमें घोल का तापमान 370 डिग्री सेल्सियस हो, इसमें पार्ट को डुबोया जाता है जिससे पार्ट की सतह पर अच्छी पेंटिंग ग्रिपिंग बनती है, इसे डैश कहते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है हमारी ये सियर डाइजिंग कहलाती है, ठीक है, याद रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
सीएनटाइजिंग कराती है। अगला है खराद की एक इकाई, खराद मतलब लेथ मशीन, ठीक है। खराद को मेनली इंग्लिश में कहा जाता है लेथ। लेथ एक इकाई है जिसमें गति का चयन करने के लिए खराद टूल तथा नियंत्रक लीवर यानी कि कंट्रोलर लीवर जो है लगे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है या फिर वो कहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे हेड स्टॉक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे आंसर 56 नंबर जो क्वेश्चन है। नासिक त्रिज्या यानी नोज रेडियस सहित एक टर्निंग औजार होता है, तो ये जो औजार होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिंगल पॉइंट टूल, ठीक है। सिंगल पॉइंट टूल हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि घिसाई पहिए की कठोरता, ठीक है। घिसाई पहिए यानी इसको ग्राइंडिंग व्हील भी कह सकते हैं हम। ग्राइंडिंग व्हील की जो कठोरता होती है हार्डनेस, वो किससे जो है हम लोग वहाँ पे मेनली शो करते हैं, ठीक है, किससे निर्दिष्ट की जाती है, तो यह लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। लेटर ऑफ अल्फाबेट क्वेश्चन जो था हमारा वो था कि घिसाई पहिए की कठोरता, ठीक है, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील की जो हार्डनेस होती है वो किसके द्वारा ये की जाती है, दिखाई जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा लेटर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल लेटर्स में उसको दिखाया जाता है। अगला है खराद प्रचलन में यानी रेत जो हमारा ये होता है उसमें डैश की गणना का सूत्र लेंथ ऑफ कट बाई फीट इंटू रेट पर मिनट, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ कट बाई फीट इंटू RPM होता है। तो यह मशीनिंग टाइम जो होता है इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है लेंथ ऑफ कट बाई फीट इंटू रेट पर मिनट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग औजार में, ठीक है, यानी कि सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जीरो रेक होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर, लेथ पर ढलाई के लिए के मशीनिंग हेतु किसमें पकड़ा जाना चाहिए, ठीक है। लेथ पर ढलाई के मशीनिंग हेतु जो है हमें मेनली फोर जॉ चक जो होता है उसके द्वारा पकड़ा जाता है। इसके चार जबड़े होते हैं, ठीक है, और इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है, और इससे मेनली जो है हमारा लेथ जितने भी लेथ ऑपरेशन होते हैं उसमें हमें हमारी जो है मेनली टू चक का यूज़ किया जाता है। पहला जो है 3 जॉ चक और तो दूसरा जो है 4 जॉ चक। चक बहुत टाइप के होते हैं, कोलेट चक, इस तरह 2 जॉ चक, तो इस तरह से बहुत सारे चक होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है आपका लेथ ऑपरेशन में वो होता है हमारा 4 जॉ चक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग 60 से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ये हमारी ALP सीरीज के अंदर की ही सारी क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।